कि वॉट एवर इज़ इन हैंड ऑफ द चाइल्ड यानी कि टेक्टाइल सेंस है हीट है फील कर रहा है बच्चा तो जिस चीज़ को बच्चा हाथ लगाएगा वो उसकी इंटेलिजेंस का पार्ट बन जाएगी यानी कि जब हम बच्चे को खेलने से रोकते हैं या मना करते हैं या टेंजेबल आइटम से हम बच्चे को कहते हैं कि वो टच करके ना सीखे तो आप तो उसकी लर्निंग रोक देंगे कि गिव मी अ चाइल्ड आई मेक हिम थीफ और डॉक्टर और इंजीनियर तो जो इन्वायरमेंट माँ बाप ने देना है वो बच्चा नहीं क्रिएट कर सकता अनफॉर्चुनेटली वो इन्वायरमेंट आप क्रिएट करेंगे तो बच्चा वो कर सकेगा और ये आजकल के दौर में इतना ज़रूरी है, है। क्योंकि बच्चे जो मिसलीड हो जाते हैं गलत हाथों में चले जाते हैं आप देखें कि अगर आप उनके बैक में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि उनके माँ बाप का बच्चों के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं था बिल्कुल वो। और वो कहीं और मोहब्बत और हमदर्दी तलाश कर रहे थे फोर आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम इज़ इक्वल टू वन सिगरेट ऑफ हेरोइन दैट मच अमाउंट ऑफ डोपम इन गोज टू दाइल्ड्स ब्रेन फिर माँ बाप कहते हैं जी ये बच्चा तो मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता बस वो ये तो ये आपका कसूर है भाई आप पढ़ाई की परवाह न करें पढ़ाई बच्चा उतनी खुशी से करेगा क्योंकि देखें हैप्पी ब्रेन लीड्स टू हैप्पी बॉडी एंडी बॉडी कैन वर्क बेटर अब बच्चे की रूटीन तो आपने सेट करनी है बच्चा अपनी रूटीन तो खुद नहीं सेट कर सकता अगर आप शुरू से वो रूटीन बना रहे हैं तो बच्चा बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाएगा उरुज बहुत बहुत शुक्रिया काफ़ी अरसे बाद दोबारा आपसे मुलाकात हुई और आपने बहुत तड़पा के मुलाकात <laughs> का शर्फ मुझे दिया <laughs> तो आ, मलिक आ, आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ है आ, हमने आज के प्रोग्राम के लिए प्ले बेस लर्निंग आज हमारा टॉपिक है उरुज आपसे आप जानना चाहेंगे कि ये जो प्ले बेस लर्निंग है अर्ली चाइल्ड हुड डेवलपमेंट का जो फेज़ है उसमें जो बच्चे आते हैं उनकी हम बात करेंगे उसमें रिसर्च ये कहता है कि बच्चा जितना खुश होता है जितना वो खेल खेल में सीखता है इतना वो किताबें पढ़ के या इस तरह से जो सीरियस एक्डेमिक काम होता है उससे ज़्यादा बच्चा जब वो उसको प्लेजर मिलता है खुश होता है जब उसको खेलने के मौके मिलते हैं उस दौरान बच्चा ज़्यादा सीखता है ये साइंस कहता है ये एक्सपर्ट्स कहते हैं लेकिन एक जो हमारे यहाँ परसेप्शन है हमारे कल्चर में कि क्या आप दिन भर खिला के बच्चों का टाइम ज़ाया करते हैं और इस तरह का आपको पता है ना कि खेल को हम इस तरह से लेते हैं कि ये शायद एक टाइम ज़ाया करने वाली बात है बच्चों को पढ़ाना चाहिए बच्चों को सीरियस एकेडमिक उसमें एक्टिविटीज़ एक्टिविटीज में इंगेज करना चाहिए क्या हम दिन भर खिला के उनको उनका टाइम ज़ाया करें ये एक कॉमन परसपन है आपने इस परसेप्शन पे बात करनी है कि इस परसप्शन को हम कैसे चेंज करें हम कैसे लोगों को कन्विंस करें कि खेल की बहुत अहमियत है बच्चे की ज़िंदगी में और उसके कई फ़ायद है आगे चल के उनके फ़वाद पर इनशा हम बात करेंगे मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि आपने जो काफ़ी सारी बुक्स इसके ऊपर आपने लिखी है आपने ट्रेनिंग दी है आपने इस तरह के इन्वामेंट मुख्तलफ़ इदारों को बना के दिया है तो उसके पीछे एक तो आपकी अपनी मोटिवेशन वो मोटिवेशन कहाँ से आई आपने क्यों ये सारा काम किया और उस काम के ज़रिए क्या आप ये क्लेम कर सकती है कि आपने वो परसेप्शन चेंज किया किस हद तक आपने चेंज किया और चेंज इस परसेप्शन को चेंज करने की ज़रूरत क्यों है बहुत शुक्रिया पहले तो खदीजा आपका कि आपने बुलाया मुझे और मुझे लगता है कि ये जो पेरेंटिंग से रिलेटेड जितने टॉपिक हैं ना दे आर वेरी क्लोज़ टू माय हार्ट एक तो हम माशाल्लाह एजुकेशन इंडस्ट्री से रिलेटेड हैं दूसरा ये है कि मैं माँ भी हूँ बच्चियों की तो मुझे हमेशा से ये लगता था कि ये बड़ा ज़रूरी है कि हम उन चीज़ों को देखें जो हमारे बच्चों की एबिलिटीज़ को इनहस कर सकती हैं अभी आपने बात की कि इतने ज़्यादा मिसकंसेप्शंस हैं वो हमारे यहाँ तो बचपन से हम सुनते आए ना पढ़ो क्या खेलोगे कूदोगे हो गए ख़राब ये वो वाला जो परसेप्शन है उस परसेप्शन की वजह से एक माइंड सेट सोसाइटी में बन गया कि जी जो खेल हैं दे आर बैड या दे आर वेस्ट ऑफ टाइम पहले तो ये समझना पड़ेगा कि खेल है क्या अब आप देखें कि बच्चा बच्चे की जो जबिलत है उसके अंदर उसकी नेचर के अंदर प्ले नेचुरली जो है वो पार्ट ऑफ इट मतलब वो उसके अंदर शामिल है एक छोटा बच्चा जो न्यूबॉर्न बेबी है वो अपने अंगूठे को पकड़ के मुंह में डाल रहा होता है वो उससे खेल रहा होता है अब उसको जो गोरे हैं वो तो अनकॉन्शियस प्ले का नाम दे देते हैं अब इसी तरीके से वो क्रॉल करना शुरू करता है तो वो जो चीज़ नज़र आती है उसको पकड़ के उससे खेल रहा होता है अब मारिया मॉन्टिसरी की एक किताब है एब्जॉर्बेंट माइंड जिसमें वो बताती हैं कि वॉट इज़ इन देंड ऑफ़ द चाइल्ड यानी कि टेक्टाइल सेंस है हीट है फील कर रहा है बच्चा तो जिस चीज़ को बच्चा हाथ लगाएगा वो उसकी इंटेलिजेंस का पार्ट बन जाएगी यानी कि जब हम बच्चे को खेलने से रोकते हैं या मना करते हैं या टेंजबल आइटम से हम बच्चे को कहते हैं कि वो टच करके ना सीखे तो आप तो उसकी लर्निंग रोक देंगे तो ये समझना पड़ेगा कि जो ज़ीरो टू एट ईयर्स का जो एक चंक हमारे पास इतना बड़ा है जिसमें बच्चे की डिवेल्पमेंट हो रही है वो डिवेलपमेंट होनी कैसे है वो बच्चे की देखने की हिस्स है सुनने की है समझने की है बोलने की हिस्स है अच्छा स्मेल कर रहा है बच्चा अब ये सारी चीज़ें आप कितने आराम से अगर आपने बच्चे को एक बॉल दे दिया तो बच्चा क्या कर रहा है वो उसको फेंक रहा है अब बॉल जाके अगर कहीं पे दो तीन यू uh, नो you know, वो क्या उसको कहते हैं कि बम्प्स करेगी तो उसकी आवाज़ बच्चे को सुनाई दे रही है बच्चा उसका वज़न फील कर रहा है कि इस चीज़ का वेट है उसके हाथों के मसल्स डेवलप हो रहे हैं अच्छा अब उसके कानों की शार्पनिंग हो रही है कि किस डायरेक्शन में गया अब छोटा बच्चा आपने देखा कोई चीज़ गिरती है तो जिस तरफ से आवाज़ आती है वो सिर्फ गर्दन मोड़ लेता है बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी को हम चुटकी बजाते हैं वो मुड़ना शुरू कर देता है तो ये चीज़ ये माइंड कि जो बच्चे एक्सपोज होते हैं और इसके ऊपर रिसर्चेज़ एंड नेट पे कि जिनको आपने ऐसा इन्वायरमेंट दिया है जिसमें उनके पास कंस्ट्रक्टिव प्ले है या नेचर प्ले है आउटडोर वो जाते हैं या पेरेंट्स इतने कॉन्शियस थे कि ऐसी चीज़ें उन्होंने बच्चों को ऐसे स्टिमुलेंट्स दिए हैं जिनसे बच्चा जो है वो अपनी सेंसेस को शार्प कर सकता है वो बच्चे बहुत ज़्यादा एक्सेल करते हैं दे आर वेरी शार्प दे आर वेरी ब्राइट दे आर वेरी हैप्पी अब आ, आप देखें कि जो यूनाइटेड नेशंस का चाइल्ड राइट्स का चार्टर है uh -huh. उसमें आर्टिकल थर्टी में वो ये कहते हैं कि प्ले इज़ ए नेचुरल यू नो बर्थ राइट ऑफ द राइट ऑफ अ चाइल्ड तो हम जब प्ले को रोकते हैं ना तो सबसे पहली बात यह कि हमने तो बच्चे के राइट्स ही वायलेट कर दिए एक बच्चे का जो हक हाँ था वो आपने छीन लिया अब प्ले करता क्या है अब जो कॉन्शियस माइंड है ना हम अपने बच्चे को स्कूल क्यों भेजते हैं अच्छा हमारा बच्चा कामयाब इंसान बन जाए अच्छा हम अपने बच्चे को कोई एक सर्टन सिलेबस बनाते हैं कि हाँ जी ये डिग्री लेके यू नो सोसाइटी में वो एक मेंबर बन जाएगा अच्छा हम ये चाहते हैं कि स्कूल हमारे बच्चे की ग्रूमिंग पे काम करे उसे एक मुकम्मल जाम शजरत तय्यबा वाला इंसान बनाए अच्छा अब हमारी इतनी ग्रैंड एक्सपेक्टेशन हैं एक स्कूल से और हम ये नहीं समझते कि एक सिंपल गेम एक लूडो की गेम जो माँ बाप बच्चे के साथ बैठ के खेल रहे हैं वो बच्चे को पेशेंस सिखा रही है वो बच्चे की मैथमेटिकल एबिलिटीज़ इन्हांस कर रही है वो बच्चे को वेट करना सिखा रहा है वो बच्चे को कैलकुलेशन सिखा रहा है अच्छा बच्चा एक जगह से चल के दूसरी जगह जा रहा है पूरी फैमिली इन्वॉल्व है उसको पता है हैव टू प्ले विद द टीम तो अगर कोई और कॉम्पिटिव स्पोर्ट ले लें आप मिसाल के तौर पे आप रेसिंग करवा रहे हैं तो आपने बच्चे को एक स्पिरिट दे दिया है कि उसने आगे निकलना है तो लीडरशिप की क्या क्वालिटीज़ हैं एक लीडर में आप क्या क्वालिटी देखेंगे कि उसका फोकस बड़ा अच्छा है उसकी डिसीजन पावर बड़ी अच्छी है दुनिया की जितनी गेम्स उठा तो लें वो आपसे डिसीजन मेकिंग करा रही हैं आप क्रिकेट ले लेंगे तो जी बॉल पर स्ट्राइक करना है किस तरह करना है अच्छा जी रन बनाना है भागना है नहीं भागना ये नैनो सेकेंड्स में डिसीजन मेकिंग वो कर रहे हैं ना तो हम जब बच्चे को वो एक्सपोजर नहीं देंगे हम उससे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो लीडर बन जाए खाली जो किताबों में चीज़ें उनसे आप ना उसको सोशल लर्निंग सिखा रहे हैं ना इंटरेक्शन सिखा रहे हैं ना उसको हार जीत बर्दाश्त करना सिखा रहे हैं अब जो रियल लाइफ है वो इतनी हार्ड है कि उसमें बच्चा फेल भी होगा उसको बहुत सारी चीज़ों पर चैलेंजेस फ़ेस करने पड़ेंगे नाकामियों से टकराएगा तो जो गेम है उसमें आपने देखा बच्चे हार जाते हैं तो छोटे बच्चों में कुछ बर्दाश्त ही नहीं होती बिल्कुल अब हमने उनको सिखाया ही नहीं वो बिहेवियर अब जब बड़े होके वो किसी ऑर्गेनाइजेशन के लीडर बनेंगे उनमें वही स्पिरिट जंगजू वाला रहेगा कि जी इसको काट दो इसको निकाल दो तो ये सारे डिसिप्लिन जो है ना ये लीडरशिप की क्वालिटीज़ आप बचपन में पैदा कर रहे हैं और मैं देखती हूँ कि अल्लाह स्पोर्ट्स और गेम्स और प्ले इज़ वन मैथड सो सिंपल सो चीप उसके लिए कोई आपको एक्सपेंसिव गेम्स नहीं लानी आप ज़मीन पे हमारे ज़माने में तो वो चिंजो बनाते थे दो लाइंस बना के उस पर खेल रहे हैं अच्छा अम्मी का दोपट्टा हमने लिया और उसकी गुत बना ली और हम कोखला चपाती खेल रहे हैं लेकिन मैं देखती थी कि उसमें हमारा सोशल इंटरेक्शन कितना था अपने कज़न से अपनी फ्रेंड से बातचीत होनी आजकल बच्चे हैं तो पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं जी हमारा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है वो बात नहीं करता वो घुलता मिलता नहीं है आपने वो मौाक़ नहीं दिए स्पोर्ट इज़ एक्चुअली द आप उसको ये समझ लें कि इट्स 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 ए इनक्यूबेशन हब वेयर द चाइल्ड कैन लर्न कि जी जो सोशल रिलेशनशिप है वो कैसे होगा बॉन्डिंग कैसे होगी एसोसिएशन कैसे डेवलप करेगा वो अपना ग्रुप कैसे बनाएगा तो पहली चीज़ ये है कि जहाँ कहीं हम प्ले को रोकते हैं हम बच्चे के जो राइट्स हैं उनको यूज़अप करते हैं वो हम उसके राइट की वायलेशन करते हैं ने, बहुत अहम एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं मैं आपसे ये गुजारिश करूँगी कि कौन से ऐसे सिंपल गेम्स हैं जो स्पेशली हमारे आ, रूरल एरियाज़ के बच्चे हैं यानी जिनके पास आ, वो टॉयज़ नहीं होते खिलौने नहीं होते महंगे खिलौने नहीं होते हैं या इस तरह के आ, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती है तो आ, उन जगहों में या उन इलाकों में किस किस्म के गेम्स को हमें प्रमोट करना चाहिए और जो ट्रेडिशनल गेम्स है वो भी काइंडली आप बताएं कि उनकी क्या अहमियत है और कौन से ट्रेडिशनल गेम्स है और उनको खेलने से बच्चों के कौन से वो जो फैकल्टीज है वो डेवलप होते हैं ये आपने इतना प्यारा सवाल किया ना और मुझे याद आ गया कि मैं अपनी जवानी के भी कोई किस्से थोड़े से हाँ जी बिल्कुल आज तो मैं यहाँ पे वो कहते ना मत पर बन की बैठी में गलतियाँ तो मैंने भी बड़ी की एज अ मदर मुझे याद है मेरी पप्पू अमरीका से आई तो मैं अपनी बेटी को लेके ना आई वॉज एक्चुअली काम किचन में कर रही तो मैंने उसको लाउंज में छोड़ दिया अच्छा वो रो रही है मैं कभी जाके देखूं और मैं फिर खाना पकाने में लग जाऊं थोड़ी देर तो पप्पो ने बर्दाश्त किया उसके बाद पुप्पो आ गई तो उन्होंने मुझे ना बड़ा पंजाबी में कहा कि बजड़ औरत तो मुझे बड़ा गुस्सा भी आया कि पप्पा मुझे ऐसे कह रही है तो मैंने कहा पप्पो क्या हुआ कहती हैं कि बच्ची इंपॉर्टेंट है कि खाना तो मैंने कहा पप्पो अभी खाना नहीं बनाया तो मेरी बेजी हो जाएगी बच्ची तो इंपॉर्टेंट का नहीं गलत कर रही हूँ मैंने कहा जब पुप्पो क्या करूं किचन में तो उसको नहीं रख सकती तो पुप्पो ने मुझसे कहा जाओ बाहर से मैट उठा के लाओ आप यकीन करें कि मैं मैट लेके आई मैंने किचन के कॉर्नर में उन्होंने मुझसे कहा कि यहाँ डालो फिर उन्होंने मुझसे कहा जाओ बाहर से कुशन लेके आओ मैं कुशन लेके आई और मैंने कुशन से वो जो मैट है उसकी दो साइडें कवर की क्योंकि दीवार का कोना था कहती हैं आप इसके अंदर बिठाओ उसे फिर मैंने अपनी बेटी को उसके अंदर बिठाया फिर मुझे कहती हैं इस करो दो प्याले लाओ अब शी शीवज आई थिंक टू एंड एंड हाफ थ्री ईयर्स ओल्ड तो मैंने एक बोल में उन्होंने मुझसे लोबिया डलवाया hmm. एक में चने और उन्होंने मिक्स कर दिए hmm. और एक बोल उसके सामने रख के कहती हैं इसको इसको को ये रेड वाले इसमें डालें wow. अब आप सोचें कि हमारी wow. ये मॉन्टिसरी की और अर्ली ईयर्स की एक्सरसाइज है जो हम सॉर्टिंग कराते हैं hmm, इस पर कौन से पैसे लगे हैं तो ये हमारा कॉन्सेप्ट पेरेंट्स का बड़ा गलत है कि जी हमने पैसे ही लगाने हैं बड़ी महंगी गेम्स लानी है अगर आप बच्चे को अपनी जिंदगी का सेंटर बना लेंगे ना उस दिन मैंने ये बात सीखी कि चाहे मैं जॉब करूं चाहे मैं कोई भी काम करूं मेरा बच्चा मेरी पहली प्रायोरिटी है तो जब आप बच्चे को सेंटर बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीज़ें अलाइन हो जाएंगी फिर अच्छा हम कोई पुराना अखबार ले लें अब या कोई लिफाफा ले लें किचन में कितने सारे आते हैं तो आप मुझे उन्होंने बताया कि जिसको कहो कि ये इसको फाड़े और इसको ना चिपकाए गम से अच्छा आप सोचें कि वो इतनी खुश उसकी आंखों में से खुशी यू नो you know, जैसे बच्चे स्माइल करते हैं और वो ये। अच्छा वो फाड़ फाड़िए पेपर उसकी टेरिंग की आवाज़ होती है ना खुश करते वो पेपर की अच्छा अब उससे वो बच्ची इतनी खुश हो रही है और उसको चिपका रही है तो अच्छा गम भी लग रही है और वो उसको दोबारा दोबारा स्टिक करने की कोशिश कर रही है अब देखें हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन

और जो इस दौरान काफ़ी सारे स्टडीज़ हुए वैसे भी हमारे कल्चर में काफ़ी हार्श पेरेंटिंग आ, अभी पिछले महीने हम वर्ल्ड बैंक का एक वो उन्होंने एक रिपोर्ट लॉन्च की है उसमें वो हमसे शेयर कर रहे थे कि कोई बहुत ज़्यादा मेरे ख़्याल में मोर देन सिक्सटी परसेंट था या क्या था हार्श पेरेंटिंग God. होती है पाकिस्तान में यानी बहुत हार्श डिसिप्लिन करते हैं बच्चों को अब उसकी वजह यह है कि पेरेंट्स को नहीं पता घरों में बच्चों को इंगेज कैसे करना है पॉजिटिवली इफ़ेक्टिवली उनको इंगेज कैसे रखना है ठीक है ना उन बच्चों में बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है बच्चे का ब्रेन मैंने पिछले अपने प्रोग्राम्स में इस इसमें बहुत तफसील से बात की है बच्चे का ब्रेन बहुत तेज़ी से छोटी उम्र में डेवलप होता है तो ज़ाहिर है उनको फिर इसी तरह की स्टिमुलेशन भी चाहिए और जब तक वो स्टिमुलेशन आप नहीं देंगे आप ज़बरदस्ती करके बच्चे को चुप करा के एक जगह बिठा नहीं सकते हैं फिर उसमें अनफॉर्चुनेटली वही हार्श डिसिप्लिन के तरीके और वो सारे तो उसको आ, आ, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए या उसको मिनिमाइज़ करने के लिए ये जो अभी आपने दो मिसालें दी इस तरह की कई और ढेर सारी मिसालें हैं ठीक है ना जो कर सकते हैं लोग तो उस पर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी रोशनी डालें आप अपने तजर्बे से और जो आपने ट्रेनिंग के दौरान सिखाया है कि स्पेशली घरों में बच्चों को कैसे हम इंगेज कर सकते हैं असल इस में इसमें ना वही जैसे मैंने अभी बात की कि अगर माँ को ये समझ आ जाए और वालिद को भी क्योंकि देखिए पेरेंटिंग खाली माँ की जॉब नहीं है बाप का एक बहुत अहम रोल है जो उसने प्ले करना है क्योंकि एक छोटे बच्चे ने सोसाइटी में जाके एक औरत या मर्द के साथ कैसे डील करना है या एक छोटी बच्ची ने सोसाइटी में जाके औरत और मर्द के साथ कैसे डील करना है वो अपने माँ बाप से ये रुझान डेवलप कर रहे होते हैं उनको नहीं पता कि ये गलत है सही है बाप जैसे माँ को डील कर रहा है या और ख़वान को डील कर रहा है वो बच्ची समझती है हाँ जी ऐसे ही डील होती है औरत और जो बच्चा अपने बाप को रोल में देख रहा है उसको पता चल रहा है कि मर्द इसी रोल में होता है तो फादर के लिए इतना ज़रूरी है कि वो माँ की केयर करे वो बच्चों की केयर करे और वो एक साथ आएँ इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ क्योंकि काउंसलिंग भी मैं पेरेंटिंग कर रही होती हूँ तो मैं कहती हूँ कि जिस तरह आप अपने घर का बजट बनाते हैं जिस तरह आप अपने घर के लिए कोई कोई शादी कोई इवेंट आ रहा प्लान करते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ रिक्रिएशनल प्लान करें Okay. कोई आप डेली की ऐसा टाइम रखें जिस पे सारे चाहे वो खाने की टेबल है जिस पे सब मिलके बैठते हैं mm -hmm. और आप गपशप मारें अच्छा हंसी मजाक होना बड़ा जरूरी है mm -hmm. हमारे यहाँ तो समझते हैं जी बड़े हो गए तो आप वालदेन जो है ना ना वो खेल सकते हैं ना कुछ mm -hmm. पांच दस मिनट रखें मगर वो क्वालिटी टाइम हो वो क्वालिटी टाइम ये नहीं कि जी जब बच्चा माँ बाप से पूछ रहा है और माँ बाप फोन में है तो वो तो टाइम नहीं है बिकॉज यू आर नॉट देयर फॉर द चाइल्ड आप मिलके अपने बच्चों के साथ लॉन में वॉक कर लें आपको उसमें किसी ने रोका मिल के बेकिंग कर ले आई लव डूइंग बेकिंग विद माई डॉटर्स मैं इतनी हैरान होती हूँ कि कभी इंग्रेडिएंट्स नहीं है तो वो खुद से इंप्रोवाइज कर है अच्छा ये डाल के हाँ, बना लें तो मुझे पता चला कि जी क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन कितना उसका रोल प्ले है कि मिलके खाना बनाना है अच्छा कभी मैं कहती हूँ अच्छा आप बताएं क्या बनाते हैं इसी तरीके से कहीं जाना होता है तो आई ट्राई टू प्लान माई वेकेशन एंड थिंग्स अराउंड दैम उनसे पूछिए अच्छा जी किधर जाएँ क्या करें अच्छा मेरी अपनी आदत है कि हर संडे को मैं सैंडविचेज या बिरयानी या कोई चीज़ बना लेती हूँ एक बास्केट रखी हुई है तो मैं बच्चों को उठाती हूँ मैं कहती हूँ अच्छा चलो जी आज बताओ किधर जाना है तो उस पर चटाई निकाली बैठ गए तो वही खाना जो आपने घर खाना है आप अपने बच्चों के साथ ओपन डोर में जा खा लें बिकॉज जो नेचर में बच्चे की लर्निंग हो सकती है जो नेचुरल प्ले है जो आवाज़ें वो सुनेगा परिंदों की चरंदों की जो वो अल्लाह मियाँ के कुदरत के रंग देखेगा आप उतने ग्रीन रंग खुद नहीं बना सकते जितने अल्लाह मियाँ ने नेचर में रखे हुए हैं।, हैं जितने पत्तों के साइजेस और डिज़ाइन हैं तो जो स्थेटिक सेंस है एबिलिटी है बच्चों में या नेचर से क्लोज़ होना है इसी इन्वायरमेंट को उस बच्चे ने बड़े होकर प्रोटेक्ट करना है उसने जो है वो पोल्यूशन नहीं फैलानी उसी ने नॉइज़ पोल्यूशन को रोकना है उसी ने ट्रीज़ को नहीं काटना तो उसी इन्वायरमेंट से आप उसको इक्विप करेंगे तो वो बच्चा उस अनवायरमेंट का ख्याल रखेगा अच्छा मैं कहती हूँ कि बच्चों को लगाएं गार्डनिंग पे दैट्स द बेस्ट एक्टिविटी कोई एक गमला रख लें किचन गार्डनिंग शुरू कर दें कोई पुदीना लगा लें कोई धनिया लगा लें बच्चा उस पौधे को ग्रो होता हुआ देखेगा उसमें पेशेंस इतना डेवलप होता है मैंने अपनी बेटी पे उसका किया तजर्बा उसके साइंटिफिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट उसके डिवेलप होते हैं अच्छा अब जब बीज डाल लिए तो हर दूसरे दिन मेरे से पूछती है छोटी नाया मामा ये कब बाहर आएगा ये कब ग्रो करेगा अच्छा जब छोटा सा निकला तो वो इतनी एक्साइटेड उसने आके मुझे बताया मामा मामा देखे छोटा <laughs> सा वो ने कहा मैंने कहा अच्छा अब इसकी और एहतियात करो फिर मैंने उसको बताया ओवर पानी भी नहीं डालना ये नहीं कि तुम उसको एक्स्ट्रा पानी दे के यू नोट पानी डाल और, के और क्या क्या चीजें लेकिन उसको वो उसको फिर वो नर्चर करना ख्याल रखना आया आजकल हमें पेरेंट्स कहते हैं जी हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज के बच्चे हमारी बात नहीं सुनते हमारा ख्याल नहीं रखते एक बात वाले को समझनी पड़ेगी कि बच्चा लव को इक्वेट करता है क्वालिटी टाइम से जो वक्त आप उसको दे रहे हैं चाहे वो कोई सवाल पूछने के लिए आए चाहे वो वैसे ही आपसे कडल और हग लेने के लिए आए हम तो वैसे ही ना वो हम तो मैं कहती हूँ हैसियत कौम ऐसे हैं कि हमें अच्छा नहीं लगता किसी को अप्रिशिएट करना तो आप क्यों नहीं अपने बच्चे को सबसे पहले अप्रिशिएट करते वो जो आप देखें ऑस्ट्रेलियन वो कॉन्सेप्ट था कि अगर किसी दरख्त को मारना हो तो वो ट्राइब जाके उस दरख्त को बुरा भला कहना शुरू कर देता है अब यहाँ पे जो भी आपने बात की कि मतलब जो अब्यूसिव पेरेंटिंग है उसका रेट इतना हाई जा रहा है तो फ़ादर्स बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं कहीं पे माएँ हैं और वो अप्रिशिएट ही नहीं करते अच्छे काम को अगर बच्चे से कोई गलती हुई है तो उसको आप यू नो टोन डाउन करें और उसको आराम से अलग से समझाएं ह्यूमिलेट ना करें उसकी ईगो को सेल्फ स्टीम को आप हर्ट ना करें ये ना समझे कि अच्छा जी मैं माऊँ तो इसका मतलब मैं मैं ठीक हूँ बहुत सारी चीज़ों में मेरी बेटियाँ मेरी काउंसलर्स हैं दे गाइड मी वो मुझे बल्कि ऐसे क्वेश्चन भी करती हैं कि मैं अच्छा सोचती हूँ पहले मैं इसको गूगल कर लूँ जब मैंने इनको जवाब देने तो मैं इनको कहती हूँ कि बेटा आई विल थिंक अबाउट इट आई एल टॉक टू समन तो ज़रूरी तो नहीं है कि मैं किसी पेरेंटिंग मैनुअल के साथ तो नहीं आई कि मुझे हर चीज़ आए और उसके साथ ये कि

क्योंकि ये हमारे दिमाग के अंदर एक चिप है इस चिप को जब आप ये बता देते हैं ना आप देखें आपको पता होगा ससुराल इंपॉर्टेंट है आप सारे काम छोड़ देंगे आप उन चीज़ों को प्रायोरिटी देंगे आपको पता है जॉब इंपॉर्टेंट है तो आप बाकी चीज़ों को पीछे कर देंगे आप जॉब को प्रायोरिटी देंगे आपको एग्ज़ाम देने के लिए गए तो आप सारी चीज़ों को छोड़ देंगे सोशल मीडिया यू विल फोकस ऑन दैट एग्जाम Why can't your children be your universe? Why can't they be your priority? अब हम जब अपने बच्चों में invest नहीं करेंगे तो हम ये गम नहीं कर सकते कि हम वो nation नहीं बना सकें वो nation तो मैंने और आपने मिल के बनानी है जब हम अपने बच्चों को time देंगे that's the first thing। Second thing इज के आप अपने अपना कोई rough plan बना लें कि वीकली आपने कौन सी एक्टिविटी अपने बच्चों के साथ बाहर या इंडोर करनी है आप उनसे वाटर फाइट करना चाहते हैं आप उनके साथ कैरम खेलना चाहते हैं आप लूडो खेलना चाहते हैं आप कार्ड्स खेलना चाहते हैं आप किचन में जाके खाना पकाना चाहते हैं आपने मिलके सैलड बनाना है आपने शरबत बनाना है लेमन डेड बनाना है अच्छा आप, आपने अपनी बेटियों को सिलाई कढ़ाई सिखानी है आपने बच्चों के साथ बाहर हाइकिंग पे जाना है वॉट हर हफ्ते का आपका कोई एक प्लान अपने बच्चों के साथ होना चाहिए सारी दुनिया को छोड़ के सो दैट दे कैन मेक अ बॉन्ड विद यू कनेक्शन वो जो इमोशनल बॉन्ड होता है ना वो बिल्ड तब होगा जब आप उनके प्रॉब्लम्स को समझेंगे उनके चैलेंजेस को समझेंगे एंड यू ग्रो टुगेदर अब ये ग्रो टुगेदर का कॉन्सेप्ट इतना मज़े का है मैं अब अपनी इसमें एक चीज़ शेयर करूँगी जैसे मैं अपने बचपन में बहुत सारे काम मैंने नहीं किए मैंने पैरा सेलिंग नहीं की मैंने पैरा ग्लाइडिंग नहीं की अच्छा जब मेरी बच्चियाँ बड़ी हुई तो वो करना चाहती थी अब मैं ज़रा डरपोक और कॉन्शियस माऊँ बच्चियों के मामले में तो मैं इनको ले गई ये इधर होती है कि खानपुर डैम अच्छा सबसे पहले मैंने कहा मैं करूँगी हालांकि मुझे हाइट से थोड़ा सा डर भी लगता है कलमे में पढ़ के फिर मैंने सारे उसके प्रोटोकॉल देखे अच्छा जब मैंने अच्छा बेटियाँ साथ बेटियाँ साथ थी मैंने कहा पहले मैं खुद जाती हूँ ना okay. अच्छा वो भी डर रही थी तो आई आई डिड दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ और इट वॉज सो यू फॉरिक आप सोचे मैं बच्ची बन गई hmm. <laughs> अच्छा अब मैं पैराशूट के साथ हवा में हूँ और मैं जो हंस रही हूँ अच्छा साथ साथ मैं रो भी रही हूँ मेरे आंसू भी निकल रहे हैं खुशी से कि मैंने कहा देखिए अल्लाह अलामिया ने मुझे वक्त दिखाया

पहले तो आपने कहा कि नहीं मुझे तो पैराग्लाइडिंग आती नहीं है लेकिन यू यू टुक द initiative तो आ, आपके ख्याल में किस तरह से उसने आपके बच्चों को इम्पेक्ट किया होगा बहुत अच्छा एक चीज़ तो आपके मैं मजे की बताऊँ कि बच्चों के लिए माँ बाप की ना रिस्पेक्ट बड़ी बढ़ जाती है बिकॉज जब अच्छा मैं पैरा मैं जो पैरा सेलिंग करके नीचे उतरी तो मेरी बेटिया कह रही हैं ब्रावो मामा यू डिड इट तो मैंने कहा अब आप जाओ ना <laughs> <के भारी, laughs> जो बारे में जो डर तो एक, वो और एक हमारा बड़ा बॉन्ड उनको ये लगा यार हमारी जो है वो हमारे जैसी है सो इट इज सो इंपॉर्टेंट दैट योर चिल्ड्रेन कोड रिलेट टू यू हमारे दौर कनेक्ट हो जाते हैं ये कनेक्ट हो, हो जाते हैं आपके सेम चीजें यू नो कॉमन गोल्स आ जाते हैं अब यहाँ पे आजकल पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो जो डिजिटल दौर है उसकी हर चीज़ से दूर है तो मेरी बच्चियों ने जिस वक्त हैरी पॉटर पढ़ना शुरू किया तो मैं भी हैरी पॉटर नावल पढ़ रही थी अच्छा उन्होंने हैरी पॉटर मूवी देखी मैं भी हैरी पॉटर मूवी देख रही थी मैंने कहा इन्होंने तो कहना है हमारी माँ आउटडेटेड है इसका तो पता ही नहीं क्या हो रहा है तो ये कि वो जो बात कर रहे होते हैं ना मुझे समझ आती है अच्छा मार्वल के यूनिवर्स में वो हैं इट इज़ सो इंपॉर्टेंट मेरे लिए मेरे बच्चे सबसे इंपॉर्टेंट है तो उनसे रिलेटेड चीज़ें कि उनका माइंड सेट कहाँ जा रहा है उनकी सोच किस तरफ मुड़ रही है मैंने उनको कब डायरेक्शन देनी है पेरेंट्स का काम तो फैसिलिटेटर्स का होता है और वो सारी लाइफ रहता है अब अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरे बच्चों पर हैना मॉन्टेना का असर है या मेरे बच्चों के ऊपर जो है वो किस चीज़ क्या चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है तो हाउ वुड आई डू द काउंटर फॉर इट एग्जैक्टली और ये आ, सारी एक्टिविटीज़ ये मुझे पता है ये बहुत हेल्दी एक्टिविटीज़ है उसमें बच्चों के बहुत सारे उनकी चीज़ें फैक्टिविटीज़ डेवलप होती है लेकिन आपके ख्याल में ये सारी एक्टिविटीज करने के साथ साथ फिर उनके जो उनकी जो पढ़ाई लिखाई है जिसको हम सब कुछ समझते हैं हाँ, है, तो उसके लिए आपके बच्चे कैसे टाइम निकालते हैं अच्छा, उस पर भी थोड़ी बात नहीं, करें नहीं, मैं जरूर टाइम ये, मैनेजमेंट ये तो जाहिर है बहुत छोटी उम्र से आपने करना है बिल्कुल कैसे हम इसका एक घर के अंदर एक फ्रेमवर्क हम इतनी प्यारी आपने बात की है ना खदीजा तो मैं ये कहती हूँ अच्छा हमारे माँ बाप ये कहते हैं जब बच्चा नौवीं दसवीं में आ गया ना अब हम टाइम मैनेजमेंट सिखा दें जब बच्चा पैदा हुआ था वो आप पर डिपेंडेंट था अपने टाइम मैनेजमेंट के लिए उसका नापी कब चेंज करना है उसको दूध कब देना है उसको नहलाना कब है इवन अपनी जिंदगी के लिए वो बच्चा आप पर डिपेंडेंट है जो माहौल आप उसको दे रहे हैं वो उससे हर चीज एब्बॉर्ब कर रहा है। जी. फिर आप बाद में अगर ये कहेंगे जी मेरा बच्चा बदतमीज है तो आपने इन्वायरमेंट देखना था ना आपके मेरा बच्चा अनडिसिप्लेंड है तो फिर आपने उस एनवायरमेंट को डिसिप्लिन करना था तो वो एक सेंट ऑगस्टाइन की एक सेंग है सर्व ऑर्डर एंड ऑर्डर विल सर्व यू तो आप ऑर्डर आप सर्व करें जब बच्चा छोटा है वो अली का कॉल है ना कि जब बच्चा छोटा हो तो उसके गुलाम बन जाओ ग़ुलाम से मुराद ये कि वो हर चीज़ के लिए आप पर डिपेंडेंट है तो उसके लिए आसानी करो अब एक कितनी छोटी सी बात है एक न्यू बॉर्न बेबी का अगर डायपर चेंज नहीं हुआ और वो बच्चा रैश से रो रहा है तो उसकी पर्सनालिटी के अंदर बड़े होने तक वो इरिटेशन आएगी क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने अपने माँ बाप को बुलाना है पुकारना trust, है trust, तो मुझे deficit, रोना है exactly. मुझे चीखना है मुझे पुकारना है अब वो बड़ा हो के अगर वो इरिटेशन शो करता है तो वो कसूर उसका तो नहीं है hmm. देखना तो ये कि कसूर शुरू कहाँ से हुआ था hmm. तो वो और ना वो ट्रस्ट करेगा वो ट्रस्ट hmm. इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पेरेंट्स का काम था उसका ख्याल रखना हालाँकि ये एक, एक मैंने आपको सिंपल छोटी सी मिसाल दी है तो अगर आप देखना शुरू करें तो कितनी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो हम एज ए पेरेंट्स हमारी हम निगलेक्ट कर देते हैं लेकिन एट द सेम टाइम कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई पैरा सेलिंग करे पैरा ग्लाइडिंग करे बहुत सिंपल काम आप कर सकते हैं आप वो स्किपिंग रोप ले लें ले, आप अपने बच्चों के साथ वो खेल लें आप अपने बच्चों के साथ हम वो खेलते थे यसु पंजू हार कबूतर मुझे याद है मुझे तो बड़ी मार पटी हुई है उस तो वो चिड़ी उड़ी वाली हम गेम खेलते थे अच्छा जी उड़ गई है अच्छा उसके बाद हम नाम चीज़ जगह खेलते थे अब वो इतनी मज़ेदार गेम है नाम चीज़ जगह कि बच्चों को पूरी दुनियाओं के कंट्रियों के और उनके जो है ना वो दारुल खिलाफे सिखा दें आप तो अच्छा प्लांट्स और उनके फ्रूट्स सिखा दें तो ये तो आपके हाँ ऊपर है ना कि थोड़ा सा क्रिएटिव माइंड से मियाँ बीवी मिल के बैठ के सोचें हमने अपने बच्चों को पॉजिटिवली कैसे इंगेज रखना है और एक चीज़ जो मैं ज़ोर देती हूँ कि आज के दौर में आप सोचें इतना जुल्म है एक छोटा बच्चा जो साल का भी नहीं है उसको आपने ये स्क्रीन दे दी है True. उसकी आई साइड भी अभी नहीं ठहरी वो ये स्क्रीन देख देख के एक तो बच्चों की आई साइड वीक हो रही है उनका उनके गर्दन और ये जो बोन का स्ट्रक्चर है वो खराब हो रहा है और दूसरा रेडीमेड चीजें मिल रही है फोर आवर्स रिसर्च है फोर आवर्स ऑफ स्क्रीन टाइम इज इक्वल टू वं सिगरेट ऑफ हेरोइन दैट मच अमाउंट ऑफ डोपम इन गोज टू दाइल्ड ब्रेन फिर माँ बाप कहते हैं जी ये बच्चा तो मोबाइल के बगैर खाना नहीं खाता बस वो ये, आपका कसूर है भैया आप क्यों नहीं देख रहे ये चीज इसको मॉनिटर करें बच्चे इस पे गेम्स करते हैं तो गेम्स से मगर फिजिकल गेम दें अब आप देखें कि हमारा जो हार्ट है उसकी पंपिंग अगर अच्छी होगी पूरी बॉडी को ब्लड जा रहा है अच्छा जब आप रनिंग कर रहे हैं तो आपके लंग्स एक्सपैंड करें बच्चा तो ग्रो कर रहा है उसके सारे ऑर्गन्स ने डेवलप करना है अच्छा उसका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो रहा है क्योंकि रनिंग में सब मूव बॉडी पार्ट्स मूव कर रहे हैं जॉइंट्स मूव कर रहे हैं मोबिलिटी आ रही है मस्कुलर डिवेल्पमेंट हो रही है मस्कुलर मेमोरी डिवेलप हो रही है अच्छा बच्चे की वॉक ठीक हो रही है उसका बैलेंस ठीक हो रहा है उसकी एजिलिटी है उसकी स्पीड है यू नो स्ट्रेंथ है बच्चे की किसी कि भारी चीज़ को उठाना ये ग्रिप है तो अब जो बच्चे फिजिकल स्पोर्ट्स में नहीं होते आप देखें वो उबीस होना शुरू हो जाते हैं एक और तरह का चैलेंज आ गया कि अच्छा अब जब एक बच्चा मोटा हो जाएगा वो अपने आप को आउटकास्ट समझना शुरू कर देगा कि जी मैं बाकियों जैसा नहीं हूँ लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग आना शुरू हो जाएगी तो वो बजाय कि हम अपने बच्चों को उसी वक्त केटर कर लें कि भई ये चीज़ें डेवलप ही ना हो सकें मैं तो उन स्कूलों को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ जिनका रोबस किस्म का स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है उन पेरेंट्स को मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ जो हफ़्ते में एक दिन ज़रूर निकालते हैं अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का वैसे तो डेली कोई ना कोई कनेक्टिविटी का एक टाइम हो जहाँ पर हंसी मजाक शुगल मेला कोई रिडल्स खेल लें हमारे ज़माने में आपको याद है वो वो क्या कहते थे इतनी सी हल्दी सारे घर में मल दी अच्छा हम पहेलियाँ ही पूछते रहते थे क्या चीज़ होगी क्या चीज़ होगी सोच सोच के अच्छा हाँ ये माचिस की तीली है या ये, ये मोमबत्ती है तो इतनी सारी चीजें जिन पे कोई पैसे नहीं लगने आपने कहा था कि जी हमारे जो लोकल हैं, जी। अब वो हम स्टापू खेलते थे वो हमारी पंजाब में पिट्ठू गरम गेम थी एक वो किश्ते तो थे आपके ख्याल में ये गेम्स कम हो रहे अभी बच्चे ये गेम्स नहीं खेल रहे बड़ी सैड सिचुएशन है क्योंकि हमारे बच्चे स्क्रीन से ही बाहर नहीं निकलते वो मोबाइल के और कंप्यूटर के और लैपटॉप्स के एडिक्ट होते जा रहे हैं तो मैं ये समझती हूँ ऑल द मोर रीज़न कि माँ बाप ख़ुद अपनी हैबिट्स ऐसी डालें कि वॉक करने जा रहे हैं बच्चों को साथ पकड़ लिया उनको लगा लिया कि जी लेट्स गो और बाहर निकलें और कोई आउटिंग प्लान कर लें हाइकिंग पे हफ़्ते में एक दफ़ा चले जाएं नहीं तो कोई और घर में क्रिकेट खेल लें घर में बैडमिंटन के रैकेट्स रख लें जो गेम आपको पसंद है वॉलीबॉल खेल लें फुटबॉल खेल लें लड़के तो ऐसी गेम्स क्रिकेट और फुटबॉल वगैरह खेल लेते हैं लड़कियों के लिए आप तो लड़कियाँ क्यों नहीं खेल सकती अगर घर में ऐसा माहौल है तो मैं तो कोई जेंडर बाइस वो नहीं करती देखें All play those games. मगर नहीं है तो कोई और चीज़ आप निकाल लें But give them something that is going to make them work on their mind. अब मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल दूँ कि छोटे बच्चों को हम ना बिल्डिंग ब्लॉक्स देते हैं जी अच्छा एक है हमारा पिंक टावर पिंक टावर में ना 10 क्यूब्स हैं अब वो डायडेक्टिक मटेरियल है यानी कि साइंटिफिकली डिज़ाइंड है जी. अब उसकी विथ है उसकी हाइट है उसकी डेप्थ है उसका वेट है अब बच्चे ने एक ब्लॉक रखा फिर उसके ऊपर दूसरा रखा फिर उसके तीसरा रखा अच्छा अगर वो बड़ा ब्लॉक रख देगा तो उसका बैलेंस होगा वो टूट जाएगा जी गिर जाएगा अच्छा, अब गिर गया। अब गया अच्छा जी, बच्चे ने दोबारा बनाना शुरू किया अब वो उसको कर अब क्या है कंट्रोल ऑफ एरर इज इन द मटीरियल यानी कि बच्चा अपनी गलती से खुद सीख रहा है पूरी जिंदगी हम अपनी कॉम में जिन इदारों में भी मैंने काम किया एज ए लीडर मैं ये देखती रही हमारे लोग अपनी गलती नहीं मानते बिल्कुल आप ये सोचें कि एक मतलब जो डेढ़ साल का बच्चा है उसकी आप ट्रेनिंग ये कर रहे हैं कि अपनी गलती को खुद सुधारो तो गेम्स और स्पोर्ट्स को हमने इतना लाइट ले लिया जबकि मैं ये समझती हूँ कि अगर ज़िंदगी बंदे ने गुजारने का फ़लसफ़ा सिखाना है तो आप बच्चों को गेम्स खिलाएं आप आप पढ़ाई की परवाह ना करें पढ़ाई बच्चा उतनी खुशी से करेगा क्योंकि देखिए हैप्पी ब्रेन लीड्स टू हैप्पी बॉडी हैप्पी बॉडी कैन वर्क बेटर तो आप टाइम बनाए ना अब बच्चे की रूटीन तो आपने सेट करनी है बच्चा अपनी रूटीन तो खुद नहीं सेट कर सकता अगर आप शुरू से वो रूटीन बना रहे हैं तो बच्चा बहुत अच्छा एडजस्ट हो जाएगा अनफॉर्चुनेटली अगर आपका ये चैलेंज है कि आप नहीं बना सके और अब आप करना चाहते हैं तो फिर बच्चा आगे से यू नो बड़ी एज में आके तो टीन एजर्स यू नो दे रिवोल्ट जी और बच्चे जब खेलते हैं तो उनको मना किया जाता है उनको रोकते ये, ये तो बड़ी ज्यादती है टाइम बनाई ना टाइम बनाई अच्छा मेरा तो ये मैं तो मेरे बच्चे जब मुझे मैंने देखा कि मैं जब उनको रोकती हूँ तो मेरे बच्चे नाराज हो जाते हैं तो मैंने कहा हूँ हल करना कहा <laughs> तो मैं पता क्या करती थी मैं उनके साथ खेल में लग जाती थी मैं कहती थी अगर मैं जीत गई तो तुम लोग बैठ के पढ़ोगे तो और कोई होता था माँ तो हर दफा जीत जाती है और हालांकि आप सोचे उनसे कर करके जो मेरा हाल <laughs> बिल्कुल तो यह अच्छी स्ट्रेटजी है हाँ। तो आप पेरेंट्स को आ, क्या आ, क्या मैसेज देना चाहेंगी खेल के हवाले से या प्ले बेस जो लर्निंग है कि अगर आज से पहले माँ बाप का कोई और परसेप्शन था इसके बारे में अगर आपकी ये गुफ्तु हमारी ये गुफ्तु सुन के अगर वो अपने उस पर जो उनके प्रैक्टिसेस है उन पर रिफ्लेक्ट करते हैं तो होपफुली कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करेंगे बच्चों को मौका देंगे वो खेले आप क्या मैसेज देना चाहेंगी कि हम क्या ऐसा करें कि माँ बाप कन्विन्स हो जाए कि वाकई खेल से ही मेरे बच्चे को बड़े मेरा बच्चा खेल से भी बहुत सीख सकता है खेलना सिर्फ खेलना कोई वक्त का ज़ाया नहीं है बल्कि नहीं। खेल से बच्चे ठीक ठाक सीख सकते हैं मेरी ना सिर्फ मैं हमेशा अपने आप को जो जो अपने लिए मैंने एक पैरामीटर रखा हुआ है ना मैं वो सारों से वही शेयर करूँगी okay. क्योंकि मैं एक माँ भी हूँ ना तो मैं कहती हूँ आई डोंट वॉन्ट टू बी अ परफेक्ट पेरेंट आई वॉन्ट टू बी अ ट्रू पेरेंट ओके तो मुझे परफेक्शन माँ नहीं मैं बन सकती वो परफेक्शन अल्लाह अलामिया की ज़ात के लिए मैं गलतियाँ भी करूँगी लेकिन मैं एक हसास माँ तो हो सकती हूँ ना मैं एक सच्ची माँ तो हो सकती हूँ ना मैं कोशिश तो कर सकती हूँ तो वो वो कहते हैं ना मोहब्बत फात है आलम तो जहाँ मोहब्बत होगी ना कि आपको पता है मैंने अपने बच्चे का हर लिहाज से अच्छा सोचना है चाहे उसकी इमोशनल वेलबींग well है उसकी फ़िजिकल वेलबींग well है उसकी सोशल वेलबींग well है तो आप हर चीज़ के लिए कॉन्शियस होंगे तो सिर्फ कॉन्शियस होने की ज़रूरत है दूसरा ये है कि देखें प्ले प्ले तो मैंने जैसे कहा कि मैं अब अब अगर मैं पचास साल की होने लगी तो इसका यह मतलब है कि मेरा प्ले ख़त्म हो गया मुझे तो अल्लाह ताला ने पैदा इस तरह से किया था मेरी जबलत में तो हमारे जो जॉइंट्स हैं उनको मोबिलिटी चाहिए हमारे ब्रेन को बेटर फंक्शनैलिटी चाहिए रिसर्च की रिसर्चिज़ हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो डोपोमिन प्रोड्यूस होती है हैप्पी हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं आप एज लेट करते हैं आप एक्टिव रहते हैं आपकी लाइफ सस्टेंस ज़्यादा होती है तो उन चीज़ों को हमें वैसे भी एज अ पेरेंट्स इस एज में अपनाने की भी ज़रूरत है और हम अपने बच्चों के साथ वो टाइम स्पेंड करें ओके okay. और कितने किस्म के जो प्लेस है इंडोर आउटडोर या जो डिफरेंट प्ले के टाइप्स है हमारे लोगों को तो नहीं पता जी जी तो बिल्कुल उनके बारे में हमें बताना चाहिए ना लोगों को बिल्कुल और इस... हर हर जो टाइप है उसकी अपनी अलग एक अहमियत है बिल्कुल बिल्कुल आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया कि जो सिक्स स्टेजेस ऑफ प्ले हैं वैसे तो इंटरनेट पे बहुत लिटरेचर भी अवेलेबल है इन मैं एक पिक्चर भी इसके साथ शेयर कर दूँगी जो वीडियो पर बाद में okay. आ भी जाए कि देखिए जीरो टू थ्री में अगर एक बच्चा है जो तीन महीने तक की एज का है आपने देखा वो अंगूठा में डाल लेगा वो पाव में डाल लेगा अब ये नेचुरल उसका जो है प्ले फिर उसके बाद वो जो अनस्ट्रक्चर्ड प्ले है जिसमें कोई आपने उसको गेम या कोई चीज़ नहीं दी हुई जो माहौल से चीज़ मिल रही है बच्चे ने वो पकड़ लिया अच्छा बाज़ात सॉलिट रही है कि बच्चा देख रहा है ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड में कुछ हो रहा है तो वो उसकी लर्निंग हो रही है उससे उसने सीख लिया फिर एसोसिएट प्ले है कि एक बच्चा खेल रहा है दूसरा उसके साथ बैठ के खेल रहा है यू नो कंपनी उनकी स्टार्ट हो जाती है अब क्लास में हम देखते हैं एक भाई पज़ल बना रहा है दूसरा जो है वो बुक लेके बैठा हुआ है फिर उसके बाद जो इनका एक प्ले है अब उसमें देखें मिल के बच्चे कोई गेम खेल रहे हैं अब जैसे पंजू खेल रहे हैं या रिंगा रिंगा रोजेज है तो सारे मिल के वह बच्चे उन्होंने खेलना शुरू कर दिया फिर आप बाहर लेके जाते हैं तो नेचर प्ले है ड्रामेटिक प्ले है अब जिसमें रोल प्लेइंग हम बच्चों से करवा रहे होते हैं आप कुछ छोटे बच्चों को मामा बाबा बनने का बड़ा शौक़ होता है वो उनका दुपट्टा ले लिया उनके जूते ले लिए उस तरह की उन्होंने हरकतें कर ली म्यूज़िक से बच्चे सिंगिंग करने की कोशिश करते हैं अच्छा आपका जो सेंसोरियल प्ले है जैसे आ, कोई हार्ड सरफेस हो गई या रेत में या पानी में या कलर्स के साथ बच्चे प्ले कर रहे होते हैं उससे भी उनकी लर्निंग बड़ी इन्हांस होती है क्रोमेटिक सेंस है बेसिकली तो आपने सेंसेस ही बच्चे की इनहेंस करनी है और जितनी शार्प सेंसेज होंगी उतना यू you नो know, जो बच्चे की पर्सनैलिटी है उतनी अच्छी डिवेलप होगी फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि ये तो वो वाली जो टाइप्स हैं इसमें फिर एक आप कॉम्पेटिव स्पोर्ट्स आ जाती हैं जैसे आपने रेसिस करा ली कोई चैम्पियनशिप हो गई कोई आपके ये स्पैलाथन हो गए जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं मुकाबले की गेम जिससे वो सीखते हैं कि जी हमने आगे जाना है और वो बड़ी जरूरी भी हैं क्योंकि बच्चे को फेलियर को एक्सेप्ट करना आना चाहिए तो अगर वो हारेगा तो वो सीखेगा ना कि ये भी लाइफ में हो सकता और है इमोशंस इमोशंस को emotions को कंट्रोल करना करना एक्सप्रेस एक्सप्रेस सोशल सोशल लर्निंग लर्निंग वो सीखेगा एक्जेक्टली इमोशनल इसी तरह से इसी और तरीके से होगी प्ले वाहिद तरीका है जिसके ज़रिए आप सोशल इमोशनल लर्निंग कराते हैं बच्चे मैं कहती हूँ कि लीडर बनाने हैं ना तो बच्चों को स्पोर्ट्स में डालें इससे बेहतर और कोई चीज़ नहीं है जो लीडरशिप की क्वालिटीज़ एक इंसान ने पैदा कर दे अब सलादीन यूबी कितनी उम्र का था तो जंग जीत गया मतलब ये तो एक वॉर एग्ज़ाम्पल है लेकिन अदरवाइज आप देखें तो वो माइंड है कि जो आप चाहे वो कहते हैं ना कि गिव मी अ चाइल्ड आई मेक हिम अथी फॉर डॉक्टर और इंजीनियर तो इन्वायरमेंट माँ बाप ने देना है वो बच्चा नहीं क्रिएट कर सकता अनफॉर्चुनेटली वो इन्वायरमेंट आप क्रिएट करेंगे तो बच्चा वो कर सकेगा अब प्ले खाली देखिए प्ले के लिए एक चीज़ और भी दिमागी तौर पे बहुत ज़रूरी है कि माँ बाप ये समझें कि खेल कोई अलग सी चीज़ नहीं है आप खाना खा रहे हैं आप सो रहे हैं आप काम कर रहे हैं ऐसे ही खेल आपकी ज़िंदगी जरूर अहम हिस्सा है वो ज़रूरत है वो अलग से कोई सिमटोमेटिक चीज़ नहीं है जो आपने लेके आनी है अब हम खाना पका रहे हैं उसमें भी खेल हो सकता है उसमें भी फ़न हो सकता है आप अपने बच्चों को छेड़ सकते हैं आप कोई ड्रामा देख रहे हैं कोई बात कर रहे हैं अच्छा बच्ची अपनी असाइनमेंट कर रही है तो प्ले के लिए कोई अलग से तो चीज़ नहीं लेके आनी तो मैं ये कहती हूँ कि वेन यू टॉक अबाउट प्ले इट इज़ मोर ऑफ अ माइंड चेंज जब आपका माइंड सेट चेंज होगा तो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी आपके इर्द गिर्द की चीजें चेंज चीज़ हो जाएंगी उनमें ऑटोमेटिकली बदलाव आएगा लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि जी हाँ प्ले कोई अलग से चीज़ है उसको ला के, के मैंने डालना स्पेशल अरेंजमेंट करना है तो स्पेशल अरेंजमेंट नहीं करना वो घर की सारी चीजों से आप कर सकते हैं और यकीन माने कि मैं तो अपने तजर्बे से शेयर कर सकती हूँ कि मैंने अब आ, मैंने बचपन में कहीं साइकिलिंग की होगी hmm. तो अब आई एम गोइंग टू बी टर्निंग फिफ्टी तो मुझे बड़ी खुशी के साथ मैं ये आपको बता रही हूँ कि मैं जब अपनी छोटी बेटी को साइकिलिंग सिखा रही थी तो मैंने दोबारा साइकिलिंग शुरू की वाह wow. <laughs>

है वो रिलीज हो जाती रिलीज है।, है।, है वो खुल के आपसे बात कर सकते बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। वो, वो नजर आता है कि माँ बाप अगर फ्रेंडली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं अगर आप खुद जाके अपने बच्ची के साथ साइकिलिंग करती है तो वो तो बिल्कुल कर लेंटेबली अपनी चीजें आपसे शेयर करेगी तो बहुत ज्यादा अहम अच्छा इसमें आपको बताऊँ प्रोसेस समझना बड़ा जरूरी है अच्छा आप समझे आप वॉक पर जा रहे हैं आप कहने को तो ये वॉक है बट इट्स इज़ नॉट वॉक ओनली बिकॉज़ जब आप साथ चल रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं अब मैं उसे पूछूं अच्छा बेटा आपके स्कूल में आज क्या हुआ अब वो मुझे पूरी स्टोरी बता रही है क्योंकि सायर है वॉक को 10-15 मिनट लगने अब मैं सुन रही हूँ तो उसको ये तसल्ली हो रही है कि देर इज़ सम वन हु इज़ लिस्निंग टू मी अच्छा और मैं एज ए माँ देख रही हूँ कि अच्छा यार ये चीज़ मेरी बेटी की ठीक तरफ नहीं जा रही सी तो अब मुझे इसको कॉन्शियसली बताना है कि बेटा ऐसे भी तो हो सकता है और मैं ये ख्याल करती हूँ कि मैं अपना डिसीजन उस पर इम्पोज ना करूँ मेरा काम खाली उसको डायरेक्शन देना है तो और अच्छा अब जब मैं उसको किसी चीज़ पे कह रही हूँ अच्छा बेटा ऐसा भी हो सकता है तो वो सोच रही है कहती है हाँ माँ ये तो मैंने सोचा नहीं अच्छा अब यानी कि उसका थाट प्रोसेस शुरू हो गया अब आम रूटीन में आप भागते दौड़ते बच्चे से बात कर रहे होते हो तसल्ली से बच्चे की बात सुनने का टाइम नहीं होता तो मैंने ये देखा कि जब से हमने वॉक स्टार्ट की तो ये एक बॉन्ड इतना अच्छा बना कि अब वो आके खुद आम रूटीन में भी अगर नहीं बता पता 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 है माम आज क्या हुआ तो मैं कहती हूँ आप बताओ क्या हुआ <laughs> तो वो चैटर बॉक्स ही और ये आजकल के दौर में इतना जरूरी है, है। क्योंकि बच्चे जो मिसलीड हो जाते हैं गलत हाथों में चले जाते हैं आप देखें कि अगर आप उनके बैक में जाएँ तो आपको पता चलेगा कि उनके माँ बाप का बच्चों के साथ बॉन्ड अच्छा नहीं था बिल्कुल वो। और वो कहीं और मोहब्बत और हमदर्दी तलाश कर रहे थे तो आजकल का जो सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो चुका हुआ है कि हमें अपने बच्चों को ना सिर्फ इर्द गिर्द के माहौल से बल्कि उससे भी बचाना है और वो तब पॉसिबल है कि जब माँ बाप का बच्चों के साथ फ्रेंडशिप का बॉन्ड हो रह का बॉन्ड हो मोहब्बत का बॉन्ड हो घुल मिल के वो रहे तो ऑल द मोर रीजन के ऐसे टाइम निकालें जो आप बच्चों के साथ कोई उनकी पसंद का ड्रामा बैठ के देख लें exactly. मिल के हंसे उस पर उनको कॉमेंट करें उनको बताएं क्योंकि माँ बाप के लिए कोई अलग से टाइम नसीहत का नहीं हमने निकालना हर काम जो हो रहा है वो नसीहत का ही टाइम होता है उसमें प्यार से मेरी बेटी एक ग्लास भी रख रही होती है वो अच्छे तरीके से रखे मैं कहती हूँ शाबाश hmm. कितने अच्छे तरीके से रखा है यार ट्रे लेके आती है तो अच्छा है, एक दिन नेपकिन उसने फोल्ड करके लाई तो मैंने कहा वाह तुम तो बड़ी ट्रेन हो गई हो hmm. तो हम इतने पेरेंट्स की तरह से मैंने देखा कि हम नेगेटिव बात फ़ौरन पकड़ के बच्चे को वो ना टुक 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 करते हैं अच्छी बात पे अप्रिशिएट नहीं करते तो हम अप्रिशिएट क्यों ना करें कि बच्चा खुशी से और करे तो मैंने देखा उसके बाद वो जो जो ट्रेन से जाके ला रहे हैं गुड लेकिन nice. ये हमें कॉम्प्लीमेंट अपने बच्चों को करना चाहिए उनकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करें इंकरेज करें और सारा दिन चौबीस घंटे लर्निंग टाइम ही है माँ बाप के लिए कि वो किसी भी टाइम पर बच्चे को बगैर ये बार बारावर कराए कि नसीहत करें जरूरी नहीं आराम से बात कान प्यार से डाल दें मजाक मजाक में डाल दें वो जो एक पेरेंट वाला रोल है ना जो नॉर्मल रोल हमने समझा कि ओह ये कर दिया वो कर दिया उसको चेंज करने की जरूरत है दैट डजेंट वर्क एनी मोर और वो हमने देखा है रिसर्चर भी साबित करती हैं कि वो इतनी इट्स नॉट इफेक्टिव बट इसको लोग गलत भी ना लें देखिए, फर्म होना है पेरेंट्स ने जहाँ पे आपका बच्चा गलत जाएगा उसकी लाइफ को थ्रेट है खुदा ना खासा कुछ तो वो फर्मली भी आपने वो बात उसको बतानी है लेकिन मैं रूटीन की बात कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा जगहों पर माहौल इतना टॉक्सिक होता है जहाँ पर बाप ने भी डांट दिया माँ ने भी डांट दिया बच्चा बेचारा सहम के कोने में बैठ गया और वो अंदर ही अंदर ही अंदर, ही अंदर पक रहा है उसको ये फीलिंग आ गई मेरे माँ बाप मुझसे नफरत करते हैं अब जब मैं काउंसलिंग करती हूँ तो मुझे इतनी तकलीफ होती है कि माँ बाप अलग बच्चे के लिए तड़प रहे हैं और बच्चा ये फील कर रहा है कि मेरे माँ बाप को मुझसे प्यार ही नहीं है एंड द ओनली मिसकनेक्टेज के पेरेंट्स को बच्चे से कम्युनिकेट करना नहीं, आता नहीं आ रहा है बिल्कुल प्यार बिल्कुल। की लैंग्वेज में कम्युनिकेट करना नहीं आता बिल्कुल बिल्कुल और तो उसके लिए वो टाइम नहीं निकाल पा रहे बस लिसनिंग वो दे। लिसनिंग इज वेरी बसनिंग एग्जेक्टली उनके ख्याल में मेजॉरिटी पेरेंट्स का ये ख्याल है कि शायद इसके लिए कोई खास टाइम होगा तब हम बात करेंगे <laughs> उस खास टाइम का या उस सही टाइम के इंतजार में जो आपके हाथ में टाइम है वो बच्चे की शादी का टाइम आ जाए वो निकल जाता है तो एग्जैक्टली और जो आपने कहा कि जो कम्युनिकेशन है पेरेंट और बच्चे के दरमियान उसके लिए कोई राइट टाइम का आप इंतज़ार ना करें कर वो आप हमेशा कर सकते हैं जैसा भी आपने ख़ुद कहा खेल के दौरान कोई ड्रामा देखते हुए साथ खाना खाते हुए साथ कहीं वॉक करने हाँ। जाते हुए तो ये सारा टाइम आप बच्चे से आ, मतलब कनेक्ट कर, कर सकते हैं, हैं। डिस्कशन कर सकते हैं और उसमें जरूरी नहीं है आपने खुद कहा कि बस हमेशा बच्चे को नसीहत 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 करनी कर है उसके साथ आपने फ्रेंड भी exactly, है। उसको आप आप रोल मॉडल हैं ज़ाहिर है जाहरे बच्चा आपको देखता है आप अपने एक्शंस के जरिए वो चीजें बच्चे को बताएं ना कि आप ए, सिर्फ अल्फाज के जरिए आप खुद कुछ और करें और बच्चे को कोई और नसीहत करे वही मैं कहती हूँ ना कि लाइफस्टाइल चेंज मांगता है आपने कहा था ना कि आपकी ट्रेनिंग का क्या इम्पेक्ट है मुझे याद है यूनिसेफ़ की जब हम इकट्ठे ट्रेनिंग करा रहे थे तो उसमें हमारे टीचर्स का एक फीडबैक आया जिसमें एक बच्ची ने बताया कि जी मेरी सास और मेरे हस्बैंड और वो सारे सुन रहे थे और उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया तो मैं उस वक्त बैठे हुए सोचती थी मैंने कहा मौला मतलब देखिए इंसान कोई काम किसके लिए कर रहा होता है लेकिन उस ख़ानदान में मर्दों की सोच बदल गई कि उनको ये रियलाइज़ हुआ कि जी हमें जो एक औरत है या जो माँ है उसको कैसे ट्रीट करना है तो ये हमें कभी अंदाज़ा नहीं होता कि जब हमारी कोई भी बात हम कर रहे हैं वो दिल से निकल रही है तो अगले बंदे पे जा उसको क्या असर करेगी तो वो एक ख़ानदान की तो आपने सोच बदल दी ना और हमारी तो हम तो यही कोशिश कर सकते कोश़ हैं कोश़ कि हम जो हमारी मैं तो कहती हूँ लाइफ की कामयाबी नहीं जो गलतियाँ हमने की हैं वो कोई और ना करे कि वो इससे सीख लें कि उन्होंने अपने ख़ानदान को कैसे जोड़ना है बहुत सारी फैमिलीज़ की मैंने काउंसलिंग की तो आप ये देखें कि इतनी छोटी छोटी पेटी बातों पे मियाँ बीवी की नोक झोंक नोक झोंक कर वो बच्चों के सामने अब बच्चों का क्या बच्चों से जब आप बात करें तो वो ये समझते हैं कि जी आ, हमारे माँ बाप के लिए हम बर्डन हैं ये छोटा बच्चा नहीं तमीज़ कर सकता उसको ये सेंस नहीं आ सकती वो लड़ाई की तह तक नहीं पहुंच सकता कि रीज़न क्या है मगर पेरेंट्स को इतना कॉन्शियस होना चाहिए कि बच्चे की डेवलपमेंट पे ये बात किस तरह इफेक्ट कर रही है बिल्कुल बिल्कुल ईगो का मसला ना बनाएं अगर कोई इशू भी है तो उसको अंदर बैठ के रिजॉल्व कर लें नॉट इन फ्रंट ऑफ द किड्स उनके ऊपर उसका नेगेटिव इफेक्ट ना जाए उनको पता हो कि जी माँ बाप आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं हमने भी आगे से फैमिली को प्यार मोहब्बत से रखना है और फिर तो वो टाइम को सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ ये जो आपने इतनी अच्छी बातें कि इनको प्रमोट करने के लिए हमें आप जैसे वो चैम्पियंस चाहिए तो उन, इस तरह के चैम्पियंस को कैसे सामने लाए क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छे एग्जांपल्स भी है बहुत अच्छे इस तरह के माँ बाप है जो ओल्ड बहुत उनका हेल्दी एक तरीका है बच्चों को जी जी बच्चों के साथ उनका बड़ा हेल्दी रिलेशनशिप है और बहुत अच्छी तरीके से वो अपने बच्चों की तरबियत कर रहे तो ऐसे पेरेंट्स को हम कैसे सामने लाएं जो आके अपना शेयर करें एक्सपीरियंस हम लार्जर जो हमारी सोसाइटी है उसको हम इंपैक्ट करना चाहते हैं अच्छा देखिए तो ये, ये ना कम्यूनिटी अप... आपने बहुत खूबसूरत बात की क्यों देखिए हमारा पर्पस तो यही है कि जो आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचे और बदलाव आए मैं हमेशा ये समझती हूँ कि वेर एवर यू हैव अ कम्युनिटी डेवलपमेंट माइंडसेट वो बहुत काम करता है जब आप अपने घर से एक चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं तो वो चीज़ आप अपने रिश्तेदारों में और फैमिली में अप्रिशिएट करते हैं वो आप अपने मोहल्ले में अप्रीशिएट करते हैं मोहल्ले से वो एक शहर के लेवल पर जाती है शहर से वो एक यू you नो know, सूबे के लेवल पे जाती है सूबे से वो एक मुल्क, मुल्क के, के मुल्क के लेवल पे जाती है तो कुछ लोग होंगे जो माइक पे आ सकेंगे और बोल पाएंगे कुछ ऐसे होंगे जो घरों में बैठ के बात कर पाएंगे उनके लिए शायद वो शाए हों कुछ ऐसी माएँ होंगी जो माइक में बोलने में कॉन्फिडेंट होंगी कुछ ऐसी होंगी जो पर्दा करती होंगी वो इससे कंफर्टेबल नहीं है मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये ज़रूरत है कि जो जहाँ है वो अपने इर्द गिर्द के इलाके में वो रोशनी फैलाए अब अगर मेरे घर में एक काम वाली आती है तो जो नॉलेज मेरे पास है मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सिखाऊं क्या वो काम का हिस्सा नहीं है क्या उसके बच्चों की तरबियत में ये अच्छी चीज़ें नहीं आनी चाहिए अगर मेरा ड्राइवर है तो क्या मेरा नहीं काम कि मैं जो लोग मेरे सुपरविजन में काम कर रहे हैं मैं उन तक ये बात पहुँचाऊँ अच्छा मेरी बहनें हैं मेरी फ्रेंड्स हैं या जो मेरा सर्कल है आप ये सोचें कि अगर मैं दस लोगों को टारगेट कर लूँ या चलें हम थोड़ा फिगरेटिवली कहते हैं कि मैंने तीस लोगों तक ये बात पहुंचाई वो तीस लोग आगे तीस खानदानों में जा रहे हैं वो तीस खानदान तीस सोसाइटीज़ में जा रहे हैं वो तीस है। सोसाइटी तो ये एक नेटवर्क एक जाल है और मैं तो अप्रिशिएट करना चाहती हूँ आपको भी इस चैनल को भी कि उनकी ये बड़ी अच्छी काविश है क्योंकि पहला तो सबसे मुश्किल काम तो यही होता है ना कि आप एक मैसेज पहुँचाएं जी बिल्कुल अब ये कितने लोगों तक मैसेज जाएगा हमारे लोगों का सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कुछ को इंग्लिश समझ नहीं आती उर्दू मेन जबान है तो मुझे ये भी बड़ी खुशी है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपको कि ख़ास तौर पे मुझे आज आपने कहा भी कि ऐसी हम जबान में बात करें कि जो हर खास आम समझ सके क्योंकि हमने पैगाम पहुँचाना है तो ये है। जब इस तरह के प्रोएक्टिव मीडिया चैनल्स होंगे जो सोसाइटी के जो कोर इश्यूज़ हैं उनको पकड़ेंगे और उन पर काम करेंगे आप जैसे लीडर्स होंगे जो जिनको नॉलेज है नो हाउ है आपने माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी और पैफेक्ट ने माशाल्लाह इतना काम किया है अर्ली चाइल्डहुड पे तो वो ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो वो लोगों के लिए भी स्ट्रेंथ बनते हैं कि नहीं हमने इस मिशन में साथ शामिल होना है तो हमें तो आप जब बुलाएंगे हम लम्बाइ थैंक यू सो मच